इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। आपकी बात जो समझ आई वो ये है कि हिंदुस्तान से हमें, हमारी इंडस्ट्री डूब जाए, हमें एक्सपोर्ट के मसाइल आ जाए, हमारा एक्सपोर्ट जो अपॉर्चुनिटी, हमने जितनी अपॉर्चुनिटी से अपने आप को फैलाया वो अभी हम ना फैलाएं, हम इंडिया से किसी सूरत कॉटन यान ना लें। नहीं देखिए, मैंने तो हर चीज की बात की है, इंडिया से तमाम प्रोडक्ट पे पाबंदी लगी हुई थी। और दूसरी वजह यह है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें ड्रामा है। देखिए, 48 सेंट की कॉटन 46 सेंट हो जाती है, 96 सेंट जब हो गई तो उसके अंदर सलामत अली साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, सेंट्रल चेयरमैन हॉर्टी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। मैं आपकी तरफ आता हूं आसिफ नाम साहब के साथ। चौधरी सलामत अली साहब आइकॉन है फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, बल्कि पूरी पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लीड करते हैं। चौधरी सलामत अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपने सुना होगा, आसिफ इनाम साहब जो कि चेयरमैन एप्टी मांगे, वो कह रहे हैं किसी सूरत इंडिया से नहीं हो, इंडिया से नहीं हो सकती। मेरे साथ राशिद अहमद सिद्दीकी साहब थिंक टैंक को चलाते हैं, कराची बिजनेस फोरम के सदर हैं। वो कहते हैं कारोबार फौरन होना चाहिए, किसी के साथ भी होना चाहिए, इंडस्ट्री को, ट्रेड को आगे बढ़ना चाहिए। आप क्या कहते हैं, आप सबसे सीनियर हैं, आप क्या कहते हैं, ट्रेड इंडिया से होना चाहिए या नहीं? ट्रेड इंडिया से बिल्कुल होना चाहिए। ये एप्टमा वाले मुल्क को तबाह करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट को तबाह करना चाहते हैं। इनका मोटिव ये है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री या वैल्यू एडेड इंडस्ट्री जो है इनकी वजह से खत्म हो जाए। एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि इनका प्रॉफिट और मार्जिन जो है वो बहुत ज्यादा है। इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक अगर धागा में पाकिस्तान में मिल रहा है या हमारी स्पिनिंग मिले दे रही है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक्चुअली ये ले रहे हैं 4-4, 5-5 हजार रुपया पर बैग का अजाफी प्रॉफिट। इनको प्रॉब्लम ये है कि अगर अजाफी प्रॉफिट इनका खत्म होगा तो ये उसी लेवल पे आए। इंडिया से यार्न लेना या किसी और मुल्क से लेना, इंडिया से इसलिए कह रहे हैं कि इस वक्त फ्रेट सर्विस जो है वो उसके रेट जो है दुनिया में इंक्रीज कर गए हैं। जो चाइना से पहले 1000-1200 डॉलर में हमें कंटेनर आ रहा था, वो आजकल 4000 डॉलर में कंटेनर आ रहा है। जी, या तो गवर्नमेंट तो उसको सबसे गाइड कर रहे हैं हम दुनिया से कहीं भी यार्न ले लें, इंडिया को लाजमी नहीं है। इंडिया से इसलिए कह रहे हैं कि वाघा बॉर्डर के थ्रू 3 दिन में यार्न जो है पाकिस्तान में पहुंच जाएगा। और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो भी फील्ड चल रहा है, जो भी रेट चल रहा है, इस वक्त क्लोज हुआ है न्यूयॉर्क 94 न्यू 87 सेंट, रुई की प्राइसेस नीचे आई हैं पिछले एक हफ्ते में, 92-94 से नीचे आ गई हैं, अब 86-87 के ऊपर है। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया से अगर यार नहीं आएगा तो चेन इंडस्ट्री है जितने बाहर हमारे पास हैं वो सारे टूट जाएंगे और इनको कम से कम चले इंडिया से। चौधरी सलामत साहब कह रहे हैं इंडिया से ट्रेड होना चाहिए, सिद्दीकी साहब कह रहे हैं इंडिया से होना चाहिए। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट गिर रही है और दिसंबर 2020 में $2.5 बिलियन की पाकिस्तान की एक्सपोर्ट हुई है और इस वक्त कॉटन नहीं है, यार्न नहीं है और इंडस्ट्री के लोग परेशान हैं। एप्टमा के चेयरमैन आसिफ इनाम कहते हैं कुछ भी हो जाए हिंदुस्तान से किसी सूरत नहीं लेनी चाहिए। अब वही हिंदुस्तानी कॉटन यार्न घूम के मस्कत जाती है और मस्कत से पाकिस्तान आती है, किसी और मुल्क जाती है और मुश्किल से ली जा रही है। तो ये डिबेट चल रही है। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है राशिद अहमद सिद्दीकी साहब, चौधरी सलामत अली बहुत सीनियर बिजनेस टाइकून है वो भी मौजूद हैं, अख्तर इस्माइल साहब ने ज्वाइन किया है जो कि साबिक सदर हैं नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के जोन के। अख्तर इस्माइल साहब, आप क्या कहेंगे, एक बात है आसिफ इनाम साहब की कि इंडिया से ट्रेड नहीं होना चाहिए, सलामत साहब कह रहे हैं फौरन होना चाहिए, थिंक टैंक के सदर है राशिद सिद्दीकी साहब वो कहते हैं फौरन बिजनेस होना चाहिए, किसी के साथ भी हो बिजनेस होना चाहिए। आप इंडस्ट्री को लीड करते रहे हैं, कर रहे हैं अभी भी, आप क्या कहेंगे, सनते अपना एक्सपोर्ट बंद कर दें, इंडिया से लड़ाई करते रहें, एक्सपोर्ट ना लें उनसे, कॉटन यान ना लेकर आए, बॉर्डर या वाघा ना खोलें, क्या कहते हैं आप? अख्तर इस्माइल, अख्तर साहब आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। बिल्कुल, मैंने आपसे सवाल किया कि क्या करना चाहिए आपने। अख्तर साहब आपको आवाज आ रही है?
अख्तर इस्माइल साहब को शायद आवाज़ ठीक नहीं जा रही है। चौधरी सलामत साहब, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, मैं चाह रहा था अख्तर साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करूँ, उनके पास आवाज़ ठीक नहीं जा रही है। ये जो मामला है, हुकूमत को क्या करना चाहिए? कुछ दिनों पहले रजाक दाऊद साहब ने ऑनलाइन एक जूम कॉन्फ्रेंस की, उसमें सनतकारों से राय ली और अक्सरियत ने ये कहा कि हमें अपने बिजनेस को देखना चाहिए। हुकूमत ने क्या फैसला किया था उसके बाद? चौधरी सलामत साहब, हुकूमत कहा था कि हम सी ट्रेड खोल देते हैं, कॉटन यार्न इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल तबाह हो रही है। जी सर, वैल्यू एडेड इंडस्ट्री का प्रॉब्लम ये है कि यार्न को आ रहा है, यार्न इंडिया का अभी भी आ रहा है, लेकिन वो आ रहा है तो मस्कत पहले जाता है, फ्रेट के उधर जाता है, उससे के बाद पाकिस्तान आता है, तो उसके ऊपर जो फ्रेट की लागत है वो ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, 4-5 हजार डॉलर कंटेनर का बढ़ जाता है। उसके बाद कराची आएगा, कराची से 1000 रुपया बैग का वो इंक्रीज हो जाता है। हम चाहते थे कि ये जो धागा इनडायरेक्ट आ रहा है उसको रोक कर वाघा बॉर्डर के थ्रू क्यों ना ले लिया जाए। वाघा बॉर्डर के थ्रू आप लेंगे तो 2-3 दिन में आपके पास यार्ड पहुंच जाएगा और उसके ऊपर इतनी कास्ट नहीं आएगी। इस वक्त फ्रेट की कास्ट बाई सी की बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है, पूरी दुनिया में हुई है जी। तो वाघा बॉर्डर के थ्रू आएगा यार तो हमारे लिए ये आसानी होगी कि उसकी कास्ट जो है वो नीचे आ जाएगी। हमारा प्रॉब्लम इस वक्त कास्ट का है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सलाम साहब, एक चीज और बताइएगा, मैं आपकी बात समझ आ गई और ये बात राशिद साहब भी मान रहे हैं और जो दोस्त आएंगे उनसे भी पूछ लेंगे। इससे पहले रसूल बख्श शहीद साहब से बात हुई थी, वो भी इस तरह की बात कर रहे थे, लेकिन आसिफ इनाम साहब जो कि चेयरमैन है एप्चुमा के, उनका एक सॉलिड पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको भी सुनना चाहिए। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि दिसंबर में 2.5 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हुई, हुकूमत पाकिस्तान ने जश्न मनाया कि हमने इतनी एक्सपोर्ट कर दी है सिर्फ एक महीने में। ये बताइए 2021 में अब तक ये जो 2 महीने 2.5 महीने गुजरे, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कितनी रही है? चौधरी सलामत अली साहब, फरवरी में 4% डाउन है जी एक्सपोर्ट पाकिस्तान की और मार्च में और डाउन हो जाएगी। अगर यही तरीका चलता रहा तो ये 2 बिलियन से नीचे आ जाए। हम इतनी मेहनत के साथ, हाँ, जो हमने इंटरनेशनल बायर को पकड़ा है, जो इतने ब्रांड आने शुरू हैं पाकिस्तान में, वो सिर्फ एप्टमा की वजह से खराब होंगे, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, आसिफ इनाम साहब, से इनका जवाब दे लूं, एप्टमा की वजह से कैसे खत्म हुई यार? इतनी कैलकुलेशन तो करो, जो आदमी कह रहे हैं कि मैं इंडिया का यान वाया ओमान ले आता हूं, हम यही तो कह रहे हैं सेल टैक्स की चोरी शुरू होगी। आप मुझे बताएं कि इस वक्त 10,000 टन यान आ रहा है, उसमें से कितना ड्यूटी और सेल टैक्स पे आ रहा है? फैसलाबाद में कितने परसेंट लोग रजिस्टर्ड है? हम तो कह ही रहे हैं इंडिया से ये चोरी का रास्ता बंद हुआ है उनकी अपनी गलती की वजह से, उन्होंने अपने पाँव पे गोली मारी। हम कह रहे हैं नहीं नहीं, इनकी गोली इनके पाँव से हम निकाल देते हैं, हम जख्मों पे मरहम रख लेते हैं। यहाँ पे मैं इस साहब करना चाहूंगा, आसिफ इनाम साहब, मैं राशिद सिद्दीकी साहब का भी पॉइंट ले लूं आपके इस पॉइंट पे। जी राशिद साहब, नंबर वन तो ये है कि जो 17% सल्टेज आसिफ इनाम साहब कह रहे हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, जब वो अगर यान इंपोर्ट करेंगे तो अगर वो सेल्टेक्स पे भी करें। गाइस, ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पर बात कर रहा था भारत के साथ ट्रेड को लेकर। आपको बता दें, पाकिस्तान और भारत में ट्रेड लगभग पुलवामा हमले के बाद से ही बंद हुआ, उसके पहले ज़्यादातर चीज़ें नॉर्मल थी, और इमरान खान के आने के बाद और भी चीज़ बेकार हो गई, क्योंकि आपको पता होगा इमरान खान का एटीट्यूड और उनका मुंह इतना ज़्यादा चलता है कि आप समझ सकते हो। ट्विटर में तो इमरान खान ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे कि मानो वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं, कोई एक ट्रोल हो या गुंडा हो। लगभग रोज मोदी को गाली देना, भारत को उल्टा सीधा कहना, हिंदुत्व, ये वो जवाने भर की चीज़ें उनके मुंह से निकलती रहीं, तो ये वजह हो सकती है। लेकिन अब पाकिस्तान के व्यापारी और पाकिस्तान के लोकल लोग इमरान खान की पॉलिसियों और पाकिस्तान आर्मी की होशियारी से इतने परेशान हो चुके हैं कि अब शायद उनका मतलब जीने के लिए भारत ही एक सहारा बचा है। आपको बता दें, पाकिस्तान में इस साल कपास की फसल और जो गेहूं होता है वो बाहर से बुलवाया जा रहा है, पाकिस्तान जैसे कृषि प्रधान देश। आपको बता दें, बंटवारे के समय लगभग भारत का 70% पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान के पास गया था, और पंजाब जो मतलब भारत में सबसे उपजाऊ जमीन में से एक मानी जाती है, वहाँ का मतलब जमीन, वहाँ पर भी मतलब गेहूं और कपास नहीं उगा पा रहे पाकिस्तान के किसान, यानी वहाँ पर आप समझ सकते हो क्या समस्याएं होंगी। तो दोस्तों, भारत से पाकिस्तान अगर कपास और गेहूं लेता है तो पाकिस्तान को बहुत सस्ता माल मिल जाएगा, लेकिन ये सब बंद है। आपको पता है क्यों बंद है? भारत से पाकिस्तान के रिश्ते किस तरीके के ख़राब हैं, और भारत को मतलब ये बंद करने में ज़्यादा घाटा हुआ है। आपको बता दें, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार होता है तो पाकिस्तान भारत
से 10 रुपए का माल खरीदता है, पाकिस्तान भारत से 10 रुपए का माल खरीदता है, तो भारत पाकिस्तान से 1 रुपए का माल खरीदता है, मतलब वहाँ जैसे कोई चीज़ सस्ती है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के साथ तो भारत वहाँ से खरीद लेता है। जैसे सीमेंट मान लीजिए, भारत में सीमेंट ज़्यादातर यहाँ से आ रही है, सेंट्रल इंडिया से आ रही है पंजाब में, और वहाँ पर सीमेंट की फैक्ट्रीज़ पंजाब में लाहौर में लगी है, तो वहाँ से लाहौर से सीमेंट आ सकती है। तो आपको इस तरीके का ट्रेड बैलेंस में मतलब भारत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा था। फिर भी लेकिन भारत ने घाटा सहते हुए पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद किया हुआ, और भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत के लिए एक प्रकार से चिंदी चोरी टाइप का व्यापार था, क्योंकि भारत के तो बहुत बड़े बड़े इंटरेस्ट हैं, बहुत बड़े बड़े व्यापार हैं, लेकिन पाकिस्तान को इस छोटे से व्यापार से इतना घाटा लग गया। पाकिस्तान के व्यापारी वहाँ पर हड़ताल करने को आ गए हैं कि भैया क्या मैं करूँ, भूखे मर रहे हैं हम लोग। मतलब समझ सकते हो आप पाकिस्तान की हालत ये है। वहाँ के व्यापारी चाहते हैं भारत से जितना जल्दी हो सके व्यापार हो, किसी भी हालत में कश्मीर गया तेल लेने। दोस्तों ये कंडीशन आ गई है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के व्यापारियों को आपने सुना, लेकिन अभी भी कुछ एक्सट्रीमिस्ट हैं वो अभी भी इसी तरीके का मुँह चला रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। भारत को पाकिस्तान के साथ जो व्यापार करने की रिक्वेस्ट आ रही है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।